नमस्कार दोस्तों, हमारी अपनी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक भर्ती आई थी, जो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उनमें 1255 जो है भर्ती थी। ये इसका मामला दोस्तों, ये भर्ती जो है कोर्ट में चली गई है। क्यों कोर्ट में गई है और आज दोस्तों इस पर सुनवाई होनी है। और अभी तक तो दोस्तों कोई अपडेट नहीं है। जब भी कोई न्यू अपडेट आएगा कि आज सुनवाई में क्या हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये भर्ती कोर्ट में क्यों गई है, क्या है पूरा मामला दोस्तों, देखिए। ये जो है एमपी के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें, डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट हैं उसमें ये भर्ती थी। 1255 जो है कुल टोटल भर्ती थी दोस्तों। आज जो है इस पर सुनवाई होनी है, संयुक्त रूप से सुनी जाएगी। और इसकी जो सुनवाई है दोस्तों, जस्टिस सुजय पॉल, जस्टिस पीसी गुप्ता जी की युगल पीठ जो है इसकी सुनवाई करेगी दोस्तों। इसमें जो याचिकाकर्ता की ओर से रामेश्वर सिंह ठाकुर जी और विनायक प्रसाद जो वकील अधिवक्ता हैं वो पक्ष रखेंगे दोस्तों। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित जो प्रक्रिया विभिन्न कारणों से जो है कटघरे में आ गई है, इसे लेकर कई याचिकाएं दायर की गई हैं। हाईकोर्ट ने दोस्तों 100% जो कम्युनल आरक्षण लागू करके आरक्षित वर्ग के जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं उनको चयन से जो है वंचित कर दिया है दोस्तों। इस भर्ती में मैं आपको बता दूँ, जो ओबीसी का कट ऑफ है जनरल कैटेगरी से ज़्यादा गया था, 82 जो है ओबीसी का, और जनरल कैटेगरी का दोस्तों 77 जो है कट ऑफ गया था। साथ ही फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इसमें ये भी बोला गया, यूं ही नहीं सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच ने इंदिरा साहनी मामले में जो मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए थे उनको भी इस भर्ती में जो है दरकिनार किया गया है। और इन्होंने हाईकोर्ट द्वारा पृथक से मेरिट सूची न जारी करने के रवैये को भी चुनौती दी गई है। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में जो जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो भर्ती आई थी उसमें दोस्तों एक्चुअल में 100% रिजर्वेशन लागू कर दिया था, यानी कि जो अनरिजर्व सीट होती हैं उनको भी रिजर्व कर दिया था अनरिजर्व कैटेगरी के लोगों के लिए। और इस कारण से दोस्तों ओबीसी का जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी से भी ज़्यादा चला गया, इस कारण से दोस्तों इस भर्ती को कोर्ट में लाया गया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।